Teacher is Anna Maria. Today is 31st May 2021 and the day is Monday. I'm going to share the screen with you. Today we are going to review our chapter Shah Abdul Latif Bhutai. आज हम लोग chapter number Shah Abdul Latif Bhutai का review करेंगे. अब इसमें हमारे पास 7 aspects हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है? Background and family, the name Bhutai, the early life and education, youth, spiritual growth, death and remembrance, Shah Latif. पोइट्रीज. ठीक है, अब ये एस्पेक्ट जो है वो सब हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले देख लें कि थोड़ा सा शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के बारे में ओवरव्यू दे दूँ कि शाह अब्दुल लतीफ भुटाई जो है वो क्या है. शाह अब्दुल लतीफ भुटाई हु इज लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ बाय हिज डिवोट्स वाज अ नोटेड सिंधी सूफी स्कॉलर. ही इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट मुस्लिम पोएट ऑफ सिंधी लैंग्वेज. इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ of Bhutai has mostly been collected from oral editions. Information about the life of Bhutai has mostly collected from oral editions. ठीक है, अब ये जो लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं कहाँ से ज़्यादातर कलेक्ट किए गए? ओरल ट्रेडिशन से. एज अ सूफी पोइट लतीफ उर्स इज हेल्ड एट His shrine every year on 14 सफ़र. 14 सफ़र पे क्या होता है कि इनके श्राइन, ये श्राइन है इनके ऊपर, मज़ार के ऊपर जो है हर साल जो है वो इनका उस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. द सेकेंड और वो कॉल ऑन 14 सफ़र द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम्स कैलेंडर. जो मुस्लिम कैलेंडर का सेकेंड मंथ होता है उसके अकॉर्डिंगली थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट सॉन्ग on the tambura. Many learn, read papers, then tell about Lal Latif life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are, ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे जो है scholars ने भी जो है इनके बारे में कुछ aspects बताए हैं. सबसे पहले हम इनका background और family देखते हैं कि background और family में क्या, अब ये क्या है, जो लाल शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के जो फादर थे सईद हबीब शाह, और वो माइग्रेट करके आए थे. ठीक है, मिड यूर से माइग्रेट उन्होंने किया था, फिर ये लोग सिंध में माइग्रेट होके आए थे. तो ये इनका बैकग्राउंड क्या है कि ये फैमिली जो थी इनकी वो बाइक माइग्रेट करके आई थी. तो उसके बाद सेकंड द नेम भुटाई. इन 1742 Shah Latif left his life and went to live on the mount at some distance from his village. अब क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने जहाँ पे अपने विलेज में रहते थे अपना विलेज छोड़ के अपना घर छोड़ के फिर उन्होंने वो कहाँ चले गए थे, वो एक मिट्टी का जो एक माउंट बना हुआ था वहाँ पे गए थे जिसको बिट कहते थे इन सिंधी में उसको बिट कहते थे. ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड on his mount for the rest of his life, Latif, Shah Latif came to know as Saint of Bit. तो इस वजह से उनको, क्योंकि वो वहाँ पर रहने लग गए थे बिट के ऊपर, तो इसलिए इस वजह से उनको सेंट ऑफ बिट जो है वो कहा जाता था. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. अब अर्ली लाइफ और एजुकेशन में क्या उनके पास कि शाह अब्दुल लतीफ वॉज बॉर्न इन 1689 AD में जो थे शाह अब्दुल लतीफ जो है वो पैदा हुए थे 14 सफ़र 1102. ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड आलालवाई अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भुटाई बिटचा. लतीफ वॉज रेज ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर. हिज फर्स्ट टीचर वॉज अकुल नूर मोहम्मद भुटाई, बट मेनली ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड. ऑल्सो ही रिसीव इज लिटिल फॉर्मल एजुकेशन. द रसालो प्रोवाइड प्रूफ डेट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल.
Various references in Shah Jerusalem indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. His poetry collection included Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. ठीक है, ये तो था उनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के लिए एजुकेशन काउंसिल जो उनकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड. नाउ कम टू द यूथ. अब यूथ क्या थे उनकी, यूथ मीन जब वो यंग थे. ठीक है, यूथ लतीफ हैड अ लिटिल हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड. अब क्या थे वो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइंड थे. वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय ही स्टार्टिंग कंपोजिंग पोइट्री. ठीक है, जब वो यंग थे तभी से उन्होंने क्या किया था कि पोइट्री को कंपोज करना शुरू कर दिया था. He admiring for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1713, the Sufi poet married with Bibi Begum. ठीक है, सोदिया बेगम से जो थी उनकी फिर शादी हो गई थी. His wife died at an early age before she could have any child. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found its difficulty to live a normal domestic life. ठीक है, तब उनकी शादी हुई थी तो उनकी शादी के बाद ही कुछ टाइम बाद ही जो अर्ली जो थी उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सिंपल कर लिया और वो खुदा से जो और रिलीजन से उनकी जो डिवोशन थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई. ठीक है, तो फिर बाकी जो उनकी कंप्लीट लाइफ थी रेस्ट लाइफ थी वो उन्होंने अपनी सब अपनी जो उनकी डिवोशन थी उसकी तरफ लिया. ठीक है, ये तो उनका यूथ था. नाउ कम टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ. उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी हुई, क्या थी. द थीफ लव्स ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर टू एक्सटेंड दैट ही फाउंड प्लेजर only in devotion. As a result, he spent most of his time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew strong with prayer and devotion, so much so that people began to attract towards him. क्या है इसके अंदर कि वो उनसे जो बहुत ज़्यादा pray करते थे और खुदा से जो उनका बहुत ज़्यादा depth relationship था, तो डे बाय डे जो था उनका जो रिलेशनशिप था वो बढ़ता जा रहा था. ठीक है, नाउ कम टू द डेथ एंड रिमेम्बरेंस. अब डेथ और रिमेम्बरेंस क्या थी अब वो देखते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द सिक्स एस्पेक्ट. अब हमारा सिक्स एस्पेक्ट क्या है वो हम देखते हैं. लाल लतीफ डाइड इन 1752 में क्या हुआ था, उनकी डेथ हुई थी ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड. He was buried on the same mound. It is said that one day he ordered and musicians to play music. They start continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. The famous king of Shah, Ghulam Shah Krohra, was so devoted to him that he built a great mausoleum over his grave. अब उनकी ग्रेव के पास क्या है, एक म्यूजियम भी है. ठीक है, द लविंगली वाइट बैम्स ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ. हिज डिवोशन कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड हिज कलेक्शन इज कॉल्ड रसालो ऑफ शाब्दुल Latif Bitai. Every year he devotees celebrated his course, which commenced on 14 Safar and last for 3 days. क्या बताएगा उनके डेथ से रिलेटेड, क्या बताएगा उनकी डेथ कब हुई थी. 1752 में उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, और वहाँ उनका जो एक श्राइन बनाया गया है वहाँ पर श्राइन के पास एक म्यूजियम भी है. ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट जो कल्चर से रिलेटेड जो है वहाँ पे चीज़ें हैं. ठीक है, अब उनका जो एक शाह जो है साला है उसमें जो उनकी कंप्लीट कलेक्शन भी है. ठीक है, नाउ कम टू द
शाह अब्दुल लतीफ पोइट्री। अब शाह अब्दुल लतीफ टाइप की पोइट्री की तरफ आते हैं। शाह लतीफ पोइट्री। शाह लतीफ वॉज अ सेंसिटिव ग्रेट एंड काइंड सॉइल। ही वॉज अ सूफी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ड लतीफ लिटरली मीन्स फाइन, डिलेटेड, टेंडर, एलिगेंट एंड लाइट। This meaning is truly reflected in both his poetry and personality. क्या था इनके जो नेम की मीनिंग है, क्या है? एलिगेंट, टेंडर, सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, ये सब इनके नेम की मीनिंग थी। और ये अपने नेम के साथ इनके जो उनकी जो मीनिंग थी वो ट्रूली इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करती थी, ठीक है। तो उसके बाद इनकी इन्होंने उनकी जो पोइट्रीज हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो ट्रांसलेट हुई, ठीक है। His collected poems have been compiled in Shahjo Rasalo, which has been translated into English, Urdu, and other languages. His spiritual and poetry carry a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. Shah Abdul Latif Bhutai is and always will remember for great poetry with love and remembrance. अब क्या है इसके अंदर कि उनकी पोइट्री की वजह से लोग जो उनको याद करते हैं, उनकी पोइट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और वो इसी वजह से सबको हमेशा याद रहेंगे। ये उनका श्राइन है, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज। अब जो आपके सिलेबस में एक्सरसाइजेज हैं, जो आपका सिलेबस बोर्ड की तरफ से उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज चैप्टर की, एक्सरसाइज नंबर वन। अब एक्सरसाइज नंबर वन के अंदर सिर्फ हमारे पास टू क्वेश्चन है। हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ शाह अब्दुल लतीफ लाइफ हैज़ बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में कौन कौन से जो है वो एस्पेक्ट आपने कवर किए। इसमें हमने 7 एस्पेक्ट कवर किए थे, ठीक है। कौन कौन से एस्पेक्ट हमने कवर किए हैं इसमें। हमारे पास फर्स्ट एस्पेक्ट था, ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट था इसमें बैकग्राउंड एंड फैमिली। सेकेंड एस्पेक्ट था नेम ऑफ बिटाई। थर्ड एस्पेक्ट था अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। फोर्थ एस्पेक्ट था यूथ। फाइव एस्पेक्ट था स्पिरिचुअल ग्रोथ। और सिक्स एस्पेक्ट था डेथ एंड रिमेंबर्स। एंड सेवन एस्पेक्ट था शाह लतीफ पोइट्रीज। हमने इसमें 7 एस्पेक्ट पढ़े, ठीक है। ये हमने लिस्ट देनी थी इसकी ए और बी के अंदर सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर टू में हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज नंबर टू में हमारे पास है, हमने इसमें से अंडरलाइन करना है राइट ऑप्शन को। हमारे पास इस लाइक का एम सी क्यूज की तरह हमने उसको अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज बी में हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज थ्री है। हमारे पास एक्सरसाइज थ्री में हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज थ्री में हमने ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को हमने सेंटेंस को कम्प्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज थ्री के बाद एक्सरसाइज फाइव है हमारे पास। एक्सरसाइज फाइव में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको हमने अपनी बुक के अंदर राइट डाउन करना है, अपने पार्टनर से शेयर करना है। पार्टनर से तो शेयर नहीं कर सकते आप, तो अपनी उसको नोटबुक में राइट डाउन तो होगा, ठीक है। सिक्स के अंदर क्या है, सिक्स में आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपने उनको लर्न करना है। तब आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट क्या है, आपने एक्सरसाइज वन टू थ्री फाइव एंड सेवन को अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है। इन एक्सरसाइजेस को आपने अच्छे से मेमोराइज करना है ताकि आपके सेकेंड चैप्टर की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इस क्लास इज ओवर। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज भी एनी टाइम, ठीक है। सो टुडे इस क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।